नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जनपद का पथ संचलन के कार्यक्रम है डीवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ के प्रांगण में एकत्रीकरण हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पूर्ण गणवेश में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर दीपक पांडे, बाल रोग विशेषज्ञ ने किया। स्वयंसेवकों को अपना सारगर्भित उद्बोधन सुभाष प्रांत प्रचारक ग्रुप कुरक्ष प्रांत द्वारा किया गया। सुभाष ने बताया कि प्रांत प्रचारक अपने उद्बोधन में कहा कि आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती महावीर की जयंती के पावन अवसर पर उन्होंने भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न प्राप्त ने कहा कि किसी राष्ट्र की संप्रभुता उसके एकता समता बंधुता ममता के आधार पर स्थापित हो सकती है। उन्होंने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि अखंड भारत की परिकल्पना सभी को साथ लेकर दलितों पिछड़ों और गरीबों को समाज से वंचितों के साथ लेकर ही संभव हो सकता है। और साथ में कहा कि राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, वह जीवंत जागृत राष्ट्र पुरुष है और अगले 15 वर्षों में भारत की अखंड भारत की परिकल्पना सभी स्वयंसेवकों और सबको साथ लेकर साकार होने वाली है।